Hello students, in the last lecture we were discussing atomic properties of d block element, and the last property that we were discussing was ionization energy. Some more points are left about ionization energy, so let us cover them. The first point that we are going to begin with today is, if we look at the ionization energy values of first series, then we will find that the first ionization energy of 3d series do not show a larger variation at each successive element. मतलब first transition series में जब आप पहला electron निकालते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता. फॉर एग्जांपल स्कैंडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है 631, टाइटेनियम की 656, वेनेडियम की होती है 653. तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन अगर हम देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन जो है वो बहुत ही कम है, जबकि एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में आपने ध्यान दिया हो आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन जो है वो इससे काफ़ी बड़ा होता था अमाउंट में. तो यहाँ पर कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता आयोनाइजेशन एनर्जी में, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तो इसका रीज़न क्या है, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, जबकि एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी और पहले वाले की आयोनाइजेशन एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है. तो इसके पीछे रीज़न है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. जब हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो हमने अभी देखा था कि हमारा आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, 4s. 4s के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स भरने के बाद हम 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने के लिए अंदर की तरफ जाते हैं, और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, शील्ड या स्क्रीन करते हैं. तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भरा जा रहा है वो इस स्मॉल वेरिएशन का कारण है. रीजन में क्या लिखेंगे, इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स the electrons are filled in the d subshell produces inter-electronic repulsion and hence screen the outer 4s electrons, due to which the ionization energy do not increase to greater extent. तो इस वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू में ज़्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिलता, क्योंकि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, जब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करेंगे तो 4s का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ये 4s का इलेक्ट्रॉन जो है इसको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, स्क्रीन करते हैं, और इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो पाता जितना ज़्यादा इंक्रीज होना चाहिए था, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है उसमें ज़्यादा मेजर चेंज हमें दिखाई नहीं देता. ये रीज़न है इस स्मॉल वेरिएशन का. अब बच्चों एक और क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिल जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी के डाटा के ऊपर. ये क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पर मैं लिख के बता रहा हूं. क्वेश्चन आता है, IE2 ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन IE2 ऑफ जिंक, व्हाई? तो देखो डाटा अगर हम देखें
कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1958 किलो जूल पर मोल दे रखी है, और जिंक की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी 1734 किलो जूल पर मोल गिवन है। इसका मतलब कॉपर की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी से ज़्यादा है, हमें इसका रीज़न बताना है ऐसा क्यों है। तो रीज़न कैसे समझाएंगे, तो कन्फिग्रेशन लिखिए, कॉपर का कन्फिग्रेशन क्या होता है 3d10 4s1, जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d10 4s2। ये वैल्यू है सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की। अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कंपेयर की जाए कॉपर की और जिंक की, तो कॉपर की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 745 थी जबकि जिंक की 906। मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जिंक की बड़ी है लेकिन सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की बड़ी है। तो जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं कॉपर में से, तो ये बन जाता है कॉपर प्लस वन और इसकी कन्फिग्रेशन हो जाती है 3d10 4s0। ये एक फुल्ली फिल्ड स्टेट है और फुल्ली फिल्ड स्टेट होने के कारण ये स्टेबल स्टेट है। तो कॉपर एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल बन जाता है, जबकि जिंक ऑलरेडी स्टेबल है, ये पहले से ही स्टेबल स्टेट में है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक स्टेबल स्टेट को अनस्टेबल बनाना पड़ेगा। इसी वजह से जिंक जो है उसमें से पहला इलेक्ट्रॉन जब हम रिमूव करते हैं तो हमें कॉपर से ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बिकॉज वी आर रिमूविंग द स्टेबिलिटी ऑफ जिंक। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी आती है, तो अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉपर क्या हो गया, स्टेबल। तो अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं तो ये एक अनस्टेबल स्टेट में चला जाएगा। तो अनस्टेबल स्टेट में जाने से कॉपर क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। इस वजह से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेगी। वहीं अगर जिंक को देखते हैं तो जिंक ऑलरेडी अनस्टेबल हो चुका है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अब अगर निकालते हैं तो ये यहाँ पर स्टेबल हो जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद। तो इस वजह से जिंक जो है उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कॉपर से कम रहती है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, हम इसी तरीके से समझाना होगा कि कॉपर आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन अटेन अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कॉपर आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन अटेन अ स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो कॉपर 3d10 4s1 से ये कॉपर के स्टेट में था, 3d10 4s0 में चला गया, ये कॉपर प्लस वन की स्टेट है। तो ये स्टेबल स्टेट है और ये अनस्टेबल स्टेट, अनस्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। तो कॉपर स्टेबल हो गया। इफ वी वांट टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Cu+1, देन दिस स्टेबिलिटी इज लॉस्ट। तो ये स्टेबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी, हेंस Ie2 इज हाई ऑफ कॉपर। तो इस वजह से सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर की ज्यादा है। सो दिस इज अ क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट एटॉमिक प्रॉपर्टी, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर। ऑक्सीडेशन स्टेट, हम एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसके एलिमेंट्स की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर आप देखोगे बच्चों, स्कैंडियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो देखने को मिलती है दैट इज +3,
टाइटेनियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, वेनेडियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, क्रोमियम प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव एंड प्लस सिक्स, मैंगनीज प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स एंड प्लस सेवन, आयरन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर और प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कोबाल्ट प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर शो करता है, निकल भी प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर शो करता है, कॉपर जो है वो प्लस वन प्लस टू शो करता है और लास्ट में जिंक जो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। दीज आर द डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज और वी कैन से 3D सीरीज। तो इस टेबल से हमें एक बात जो है वो समझनी है कि जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में हम मूव करते हैं पीरियड के अंदर, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स फर्स्ट इंक्रीज रीचेज अप टू अ मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ द सीरीज और उसके बाद में फिर से डिक्रीज होने लग जाता है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वेरिएशन इन द पीरियड, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज रीचेस टू अ मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ सीरीज एंड देन डिक्रीजेस। उसके बाद में नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। अब इसके पीछे जो है वो रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। एक बात और बतानी थी बच्चों आपको, ये जो मैं बॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बना रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इस ग्रुप के एलिमेंट्स की। तो ये मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट हमें जो डाटा गिवन है बुक्स में उसमें दे रखी है, वेनेडियम की प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल होती है, मैंगनीज जो है वो प्लस टू और प्लस सिक्स सॉरी प्लस सेवन प्लस टू और प्लस सेवन ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल दिखाता है, आयरन जो है वो प्लस टू और प्लस थ्री मोर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, कोबाल्ट की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल रहती है और प्लस थ्री भी, निकल जो है वो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट मोर स्टेबल दिखाता है, कॉपर जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में प्लस टू मोर स्टेबल दिखाएगा और नॉन एक्वस सॉल्यूशन में प्लस वन, जिंक प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा मोर स्टेबल। तो जो बॉक्स के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट बनी है ये मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सभी एलिमेंट्स की। तो सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो हैं वो स्टेबल होती हैं एलिमेंट्स की। तो इस पीरियड के अंदर हमें क्या वेरिएशन देखने को मिला, जैसे जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो इंक्रीज होती हैं, मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है बीच में और उसके बाद में डिक्रीज होने लगती हैं। इसका रीजन क्या होगा, देखो इसका रीजन क्या आएगा, एज वी मूव इन द पीरियड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। पीरियड में जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं, एज अ रिजल्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स कैन बी ईजीली लॉस्ट, हैंस मोर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन इन द मिडल ऑफ सीरीज। तो बीच में क्या होता है, मैंगनीज की और उसके आसपास क्रोमियम वाली सीरीज की जब हम बात करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं, इस वजह से नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती जाती है। इसके बाद में बात करते हैं वेरिएशन इन द ग्रुप की, ग्रुप के अंदर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से चेंज होगी। तो ग्रुप के अंदर क्या हो जाता है, वेरिएशन इन द ग्रुप,
तो ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमें सेम ही देखने को मिलती है. इन द ग्रुप द ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन्स सेम बट स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो मैं इस चीज का एक एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको. हमारे पास क्रोमियम वाला जो ग्रुप है, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, ये तीन एलिमेंट जो हैं वो एक ही ग्रुप के होते हैं. सो दिस ग्रुप नंबर इज सिक्स, सिक्स्थ ग्रुप नंबर है. क्रोमियम हमें ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. इसकी अगर प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो ये तीनों ही एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस सिक्स दिखाते हैं. लेकिन टंगस्टन का जो कंपाउंड बनता है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, दिस इज मोर स्टेबल देन क्रोमियम. इसी वजह से टंगस्टन जो है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्योंकि स्टेबल होता है, तो ये किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का काम नहीं करता. नॉट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. लेकिन क्रोमियम जो है प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसका कंपाउंड कम स्टेबल होता है और इसी वजह से क्रोमियम के कंपाउंड्स जो प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्रोमियम की प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं है, प्लस थ्री ज़्यादा स्टेबल होती है. इसलिए क्रोमियम जब भी प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई कंपाउंड बनाता है तो वो कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं और वो हमेशा दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं. दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा इसका मतलब क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. तो ग्रुप में जैसे जैसे आप नीचे जाओगे ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है. सो दिस वॉज ऑक्सीडेशन स्टेट. नेक्स्ट चलते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे. मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इन एलिमेंट्स को जब मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा जाता है तो या तो ये अट्रैक्ट होते हैं या फिर ये रिपेल होते हैं. डी ब्लॉक एलिमेंट्स व्हेन प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आइदर शो अट्रैक्शन और रिपल्शन. तो इसका मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और इस अट्रैक्शन और रिपल्शन के पीछे रीजन क्या है? तो इसके पीछे रीजन होता है द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. बच्चों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, जिनको हमने ट्रांजिशन मेटल्स बोला था, ट्रांजिशन मेटल प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक मोमेंट. ये एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करते हैं अपने सराउंडिंग में. और जब ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ये अट्रैक्ट होते हैं, तो प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट. सच टाइप ऑफ मेटल्स आर अट्रैक्टेड इन दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरीके के जो सब्सटेंसेस होते हैं
ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करते हैं। इस मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट एन एन प्लस टू, वेयर एन इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जिस भी ट्रांजिशन मेटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और ऐसे मैग्नेट को जब भी आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो वो अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कई बार जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम कितना होगा। तो देखो बच्चों, क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d5 4s1। इसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 5 होते हैं 3d में, 1 होता है 4s में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, 6, क्योंकि 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट है। n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो म्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 6 6 प्लस 2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 6 × 8, अंडर रूट ऑफ 48। तो ये वैल्यू जो है वो क्या आएगी, ये वैल्यू आएगी 6 point something, क्योंकि अंडर रूट 49 7 होता है, तो अंडर रूट 48 जो है वो 6 point something आएगा। एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, अंडर रूट 48 कितनी वैल्यू आती है, दिस इज इक्वल टू 6.8 something। अब ये जो वैल्यू आ रही है इसकी यूनिट होती है BM, दैट इज बोर मैग्नेटॉन, बोर मैग्नेटॉन यूनिट रहती है मैग्नेटिक मूवमेंट की। सो म्यू इज 6.8 बोर मैग्नेटॉन, BM का मतलब है बोर मैग्नेटॉन। एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, तो ध्यान रखना बोर मैग्नेटॉन इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसी तरीके से अगर हम टेबल बनाएं और 3D सीरीज के सभी एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालें तो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d1 4s2, इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी 1। तो बोर जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये कितना आएगा, अंडर रूट 1 1 प्लस 2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट 3 कितना होता है 1.732। टाइटेनियम 3d2 4s2, इसमें दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये एन की वैल्यू आ गई 2, ये क्या हो जाएगा 2 × 2 + 2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8। अंडर रूट को 8 को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√2, और 2√2 को 1.414 मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ जाएगा। वेनेडियम को 3d3 4s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है, तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ये कितना हो जाएगा 3 × 5, दैट इज अंडर रूट ऑफ 15, वैल्यू निकाल लो। क्रोमियम 3d5 4s1, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेड इलेक्ट्रॉन, 6, अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 है तो यहाँ क्या आएगा 6 × 8, दैट इज अंडर रूट ऑफ 48। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू जो आती है दिस इज 2 point something 2.828, ये वैल्यू आपको मिलेगी 3.8 something, और ये मिलेगी आपको 6.8 something। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको रिलेट करके समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझ लेना, कई बार क्वेश्चन जो है वो उल्टा पूछ लिया जाता है। यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 × 7, दैट इज अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 क्या हो गया अंडर रूट 36 से कम होगा तो 5.8 या 5.9 समथिंग कुछ आएगा। ये नंबर नोट करो और डेसिमल से पहले वाला नंबर नोट करो, यहां पर 1 है तो ये वैल्यू 1 point something,
यहाँ पर 2 है तो ये वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग, यहाँ पर 3 है तो वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, वैल्यू 6 है तो वैल्यू 6 पॉइंट समथिंग आ रही है, अनपेड इलेक्ट्रॉन 5 थे तो वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग। मतलब आप नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अगर सही से कैलकुलेट कर लेते हो तो आप एक आइडिया, एक गैस लगा सकते हो कि बोर मैग्नेटॉन यूनिट जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी। जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही अप्रॉक्सीमेटली जो है उसके आसपास ही वैल्यू आती है। तो डेसिमल से पहले वाला नंबर जो है वो उतना ही होता है जितना नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के मैग्नेटिक मोमेंट के अंदर। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू उतने ही ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, और जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा वो एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये रिजल्ट हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। तो यहां पर ये पॉइंट लिख देता हूं, मोर इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मोर इज मैग्नेटिक मोमेंट, हेंस ग्रेटर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द मैग्नेटिक फील्ड। दूसरी तरफ जो एलिमेंट्स जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, एलिमेंट्स विच डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन सच एज जिंक। अब जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखो, 3d10 4s2, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं। तो इस तरीके से आप बॉक्स बना के देख लो, सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें पेयर्ड दिखाई देंगे 3d के अंदर। 4s के अंदर हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी पेयर्ड है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स सारे के सारे पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को आपस में कैंसिल कर देते हैं, और इसी वजह से इनका नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आ जाता है, जीरो, बिकॉज देयर एन इज जीरो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज जीरो, तो इनका मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आएगा। और ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं दे आर वीकली रिपेल्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और ये कहलाते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। दे आर वीकली रिपेल्ड, ये हल्के से रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये हो जाती है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होगा और कौन सा एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट नहीं होगा। अभी मैंने जो आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए ये एटम्स के थे, हो सकता है आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट किसी आयन का भी पूछ लिया जाए। फॉर एग्जांपल इसका बताइए, क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा। तो देखो बच्चों, क्रोमियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 24 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1, 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो सबसे पहले तो ये इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएंगे, क्या बचेगा, 3d3 4s0। 3d3 इसका मतलब 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन बच गए डी ऑर्बिटल के अंदर, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, 3। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, 3 3 + 2, दैट इज √15, और √15 की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। तो मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है Cr+3 के अंदर। तो एटम्स की भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है, या आयन की भी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करवा सकता है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ये कलर्ड कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स
डी ट्रांजिशन इन देम। तो डी ट्रांजिशन क्या होता है? तो देखो बच्चों, यहां पर जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं इनके अंदर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं कि हमारे पास कोई पहली ट्रांजिशन सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, 3D सीरीज का। तो ये 3D ऑर्बिटल है। एग्जाम्पल इज कॉपर ले लो। ये कॉपर जब कंपाउंड बनाएगा एट द टाइम ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन, उस टाइम पर ये डी ऑर्बिटल जो है वो दो लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड T2G लेवल एंड दिस इज कॉल्ड EG लेवल। ये स्प्लिटिंग क्यों होती है ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आप इतना ही याद रखो कि हमारे पास कोई भी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर, हम जब इसके कंपाउंड बनाएंगे तो इसका जो डी ऑर्बिटल है जिसके पांचों ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हैं वो स्प्लिट हो जाएगा। लोअर लेवल कहलाता है T2G और अपर लेवल कहलाता है EG। अब कॉपर में देखो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमने यहां पर लिया है, तो इस वजह से इसके अंदर 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 9 इलेक्ट्रॉन्स जब यहां पर फिल किए जाते हैं तो इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे, 7वां इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, 8वां और 9वां। तो एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचा हुआ है ऊपर जब कॉपर प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है और इसके ऊपर सनलाइट आके गिरती है। तो ये सनलाइट है, सनलाइट जब इसके ऊपर आके गिरेगी तो यहां से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके और ऊपर चला जाएगा T2G से EG में। तो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब की और ऊपर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां से चला गया यहां। तो यहां पर क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है इलेक्ट्रॉन बाय इलेक्ट्रॉन। इस स्टेट को बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन यहां था तो वो ग्राउंड स्टेट थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहां से यहां चला गया, इस स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट जो होती है वो अनस्टेबल होती है क्योंकि इसकी एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की तो एनर्जी जो है वो इस सिस्टम की बढ़ गई, इस वजह से सिस्टम की एनर्जी ज्यादा है इस स्टेट में। तो वापस से अपनी एनर्जी कम करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करना होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी लूज करनी होगी और लूज करके वापस यहीं पे आना होगा। ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है अपनी स्टेबल स्टेट में तो ये एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, और इस विजिबल लाइट की जो भी वेवलेंथ होती है हमें उसी वेवलेंथ का कलर दिखाई देता है। सो दिस इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस बाय ट्रांजिशन मेटल। इस वर्ड पे ध्यान देना बच्चों, ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल क्या थे? ट्रांजिशन मेटल वो थे जिसके अंदर डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होता। तो जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं क्योंकि उनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकते हैं और इसी वजह से वो वापस जब नीचे आते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं। ये लाइट किसी न किसी वेवलेंथ की होती है विजिबल रीजन में, और इसी वजह से उसी वेवलेंथ का हमें कलर दिखाई देता है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक मेटल जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स नहीं बनाता, क्यों? तो देखिए बच्चों, जिंक जब भी कंपाउंड बनाएगा उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या देखने को मिलती है, +2। इस ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जिंक के सारे डी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, पेयर्ड है। तो डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। अब डी ऑर्बिटल क्योंकि कंप्लीटली फिल्ड है तो इसकी ये जो ग्राउंड स्टेट बनेगी इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने की जगह ही नहीं है। तो भले ही इसके ऊपर कितनी भी सनलाइट क्यों ना गिरे, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन के नीचे से ऊपर जाने की जगह ही अवेलेबल नहीं है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन नहीं हो पाता।
तो जिंक जो है उसके सभी कंपाउंड हमें कलरलेस दिखाई देते हैं बिकॉज दे हैव पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो दो क्वेश्चन जो है वो यहां पर बन सकते हैं, जिंक के सॉल्ट कलरलेस क्यों होते हैं, बाकी ट्रांजिशन मेटल्स के सॉल्ट कलर्ड क्यों होते हैं। तो इसके अंदर रीजन हमें ये लिखना है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं इनका डी ऑर्बिटल कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम पे स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जब सनलाइट गिरती है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइट होते हैं, एक्साइट होके वापस जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं तो वो एनर्जी एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट, और इसी वजह से ये विजिबल लाइट जिस भी वेवलेंथ की होगी उसके करस्पॉन्डिंग हमें कलर दिखाई देगा। सो दिस इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ कलर बाय ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स। क्योंकि ये ट्रांजिशन डी के ही ऑर्बिटल्स के बीच में हो रहा है इस वजह से इसको डी डी ट्रांजिशन बोला जाता है। तो यहां पर हम लिखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स एट द टाइम ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन या कंपाउंड स्प्लिट इनटू टू लेवल्स टी टू जी एंड ई जी फुल स्टॉप। व्हेन लाइट रेडिएशंस फॉल ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज लेवल्स दीज इलेक्ट्रॉन्स जंप टू दी हायर एनर्जी लेवल। हायर एनर्जी लेवल कौन सा है? ईजी लेवल। व्हाइल रिटर्निंग बैक टू द ग्राउंड स्टेट दिस इलेक्ट्रॉन रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विजिबल लाइट हैंस द कॉम्प्लेक्सेस या द कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल अपीयर टू बी कलर्ड। तो इस वजह से ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स जो है वो कैसे दिखाई देते हैं? कलर्ड दिखाई देते हैं। तो ये हो गया रीजन। डायग्राम अगर आपको बनाना है तो ये डायग्राम जो अभी मैंने बनाया था आप उसको बना सकते हैं। यहीं पर ये क्वेश्चन भी नोट कर लो, जिंक जो है उसके कंपाउंड्स कलरलेस क्यों होते हैं। सो क्वेश्चन, व्हाई कंपाउंड्स ऑफ जिंक आर कलरलेस या फिर वाइट? तो आंसर क्या लिखेंगे? जिंक हैज कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल इन इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, हेंस देयर इज नो स्पेस फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। Therefore, these complexes are colorless or white. तो जिंक के एटम में या जिंक के आयंस में Zn/Zn2+ इन दोनों में ही कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल होता है और इसी वजह से एक्साइट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करने के लिए जगह नहीं है और इसी वजह से ये कलरलेस या फिर वाइट दिखाई देते हैं क्योंकि ये विजिबल लाइट को एमिट नहीं कर सकते। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज,
बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं ये आपस में इंटरमिक्स करने के बाद कई सारे अलॉयज की फॉर्मेशन करते हैं. ट्रांजिशन मेटल्स ऑन इंटरमिक्सिंग फॉर्म्स मैनी अलॉयज विद इंप्रूव्ड प्रॉपर्टीज. और इनकी अलॉय फॉर्मेशन जो है वो आसानी से हो जाती है. दे इजीली इंटरमिक्स ड्यू टू स्मॉल डिफरेंस इन देयर एटॉमिक रेडियाई. तो इनकी एटॉमिक रेडियाई में क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता इस वजह से ये इजीली इंटरमिक्स हो जाते हैं और अलॉयज की फॉर्मेशन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस जिंक ये दोनों मिक्स करके हम क्या बनाते हैं? ब्रास. ब्रास इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक. कॉपर एंड टिन दिस इज ब्रॉन्ज. आयरन क्रोमियम निकल प्लस कार्बन दिस इज स्टेनलेस स्टील. टिन प्लस लेड ये तो खैर पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए तो इनको यहां पर नहीं लिखेंगे. सो दीज आर दी अलॉयज दैट आर फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल और इजीली जो है ये इंटरमिक्स हो जाते हैं. ये तीनों ही ट्रांजिशन मेटल हैं. ये दोनों ही ट्रांजिशन सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट हैं. तो क्योंकि इनकी साइज में डिफरेंस नहीं है इस वजह से इनको मिक्स करना आसान है और इनके अलॉयज बनाना जो है वो भी कंपैरेटिवली इजी है. जैसे मेटल्स ट्रांजिशन मेटल्स जो है आपस में मिक्स होकर अलॉयज बना लेते हैं ऐसे ही इन ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनको अगर नॉन मेटल्स के साथ मिक्स कर दिया जाए तो ये इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स बना लेते हैं. तो नॉन मेटल्स के साथ इंटरस्टीशियल कंपाउंड कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल के कंपाउंड्स. तो ट्रांजिशन मेटल्स व्हेन मिक्स्ड विद स्मॉल साइज नॉन मेटल्स such as hydrogen, carbon, oxygen, nitrogen form in their interstitial site forms interstitial compound. तो इंटरस्टीशियल साइट किसको बोलते हैं? हमने सॉलिड स्टेट में पढ़ा था. मान लो हमारे पास आयरन मेटल है तो आयरन मेटल जो है वो क्या बनाएगा? एक लैटिस बनाएगा. तो सपोज दिस इज द लैटिस ऑफ आयरन मेटल. अब यहां पर जो अनऑक्यूपाइड स्पेस है जहां पर कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं है दिस इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल साइट. आयरन को मेल्ट करके और कूल करते टाइम मोल्टन स्टेट से कूल करते टाइम अगर तुमने कार्बन डाल दिया तो वो कार्बन कहां चला जाएगा? वो कार्बन चला जाएगा इंटरस्टीशियल साइट पे. तो ये जो खाली साइट अवेलेबल थी इस पे चला जाएगा क्योंकि इसकी साइज क्या है? काफी छोटी है. और यहां पर जाने के बाद जब ये आयरन के साथ साथ ठंडा हो जाएगा तो एक नया कंपाउंड बनेगा. दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल कंपाउंड. और ये कंपाउंड जो होता है वो ज्यादा हार्ड होता है प्योर आयरन से. तो इंटरस्टीशियल कंपाउंड हम बना सकते हैं किसी भी ट्रांजिशन मेटल का एक नॉन मेटल के साथ. नॉन मेटल कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज का होना चाहिए. तो क्या करते हैं हम किसी भी ट्रांजिशन मेटल को मेल्ट करते हैं. मेल्ट करके उसके अंदर हम वो पर्टिकुलर नॉन मेटल जो भी हमें यूज करना है डालना है उसको डालते हैं और उसके बाद में उसको ठंडा करते हैं. तो ये नॉन मेटल जो है वो
ऐसे इंटरस्टीशियल साइट्स पे जो है वो चला जाता है, ऑक्यूपाई कर लेता है पोजीशन, और ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज कॉल्ड इंटरस्टीशियल कंपाउंड। ये जो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनते हैं दे हैव इंटरस्टीशियल कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो है देन प्योर मेटल, प्योर मेटल से ज़्यादा होता है। सेकंड, दे आर मोर हार्ड, ज़्यादा हार्ड होते हैं देन मेटल। थर्ड, दे आर लेस रिएक्टिव, मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं, और इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल से ज़्यादा होती है। दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो इंटरस्टीशियल कंपाउंड बनाने से ये हमें फायदा होता है प्रॉपर्टीज में कि मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हार्डनेस बढ़ जाती है, रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ट्रांजिशन मेटल की जब उसके अंदर ये नॉन मेटल्स ऐड कर दिए जाएं। तो ये हो गए इंटरस्टीशियल कंपाउंड। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी। ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं इनको एज ए कैटलिस्ट बहुत यूज किया जाता है डिफरेंट रिएक्शंस में। सो कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज कैटलिस्ट इन मैनी रिएक्शंस। और क्यों यूज किया जाता है इनको कैटलिस्ट? क्योंकि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ये दिखाते हैं एलिमेंट्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के कारण ड्यू टू विच दे हैव टेंडेंसी टू बाइंड विद डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो क्योंकि एक ही एलिमेंट कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखा रहा है, इसकी वजह से उसकी अलग अलग एलिमेंट्स के साथ बाइंड करने की टेंडेंसी जो है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। और इसी टेंडेंसी की वजह से इनको हम अलग अलग रिएक्शंस में यूज कर लेते हैं एज अ कैटलिस्ट। कुछ एग्जांपल्स जिसमें इनको यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, तो देखो बच्चों, वेनेडियम का ऑक्साइड B2O5, इसको हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज करते हैं SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए किया जाता है? H2SO4 बनाने के लिए, H2SO4 की प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। तो यहां पर वेनेडियम का ऑक्साइड यूज हो रहा है। तो वेनेडियम एक ट्रांजिशन मेटल है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो है वो हमने क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 यूज किया था, K2Cr2O7 यूज किया था। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज किए जाते हैं, और इनको ऑक्सीडाइजेशन करवाने के लिए एल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है या एल्डिहाइड से जो एसिड बनाना है तो वहां पर यूज कर लेते हैं। तो क्रोमियम मेटल ट्रांजिशन मेटल हो गया। ऐसे ही आयरन जो है उसको हमने यूज किया था बॉन्ड हेबर प्रोसेस में, अमोनिया बनाते टाइम बॉन्ड हेबर प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया था आयरन को, जो कि एक ट्रांजिशन मेटल होता है। तो क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसी टेंडेंसी की वजह से ये अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ बाइंड कर सकते हैं। इस वजह से इनको डिफरेंट रिएक्शंस के अंदर यूज किया जा सकता है एज अ कैटलिस्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। जो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।